हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस टॉपिक से जेई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा सब टॉपिक है स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। आपको पता है कि जेई मेन एडवांस दोनों एग्जाम्स में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस पर। तो पहला क्वेश्चन जेई मेन September 6, 2020 का, क्या बोल रहे हैं, स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ते समय आप उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, ब्रेक करके सोचेंगे यदि, और जो डेटा गिवन होता है उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो गलती नहीं होगी। स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर है 50 डिविजन्स। अगला स्टेटमेंट है द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग प्रायर टू यूज। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें बोल रहे हैं प्रायर टू यूज, वो जो सर्कुलर स्केल है वो पिच स्केल से 4 यूनिट्स अहेड है। इस स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आ रहा है कि उस स्क्रू गेज में है एरर। आगे क्या बोल रहे हैं, अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल। क्या बोला है, एक कंप्लीट रोटेशन पर सर्कुलर स्केल के पिच स्केल पर डिस्प्लेसमेंट होता है 0.5 mm। हमको बताना क्या है, नेचर ऑफ जीरो एरर एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसको जरा डिटेल में समझते हैं। वैसे तो स्क्रू गेज पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। पर इस वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में जरा डिटेल में बात करेंगे। फिर अगले क्वेश्चंस भले ही हम थोड़ा फास्ट करेंगे पर इसमें मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहता हूँ इसे। दूसरी बात यह कि यदि आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं तो डिस्कशन आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि दो चार क्वेश्चंस रट कर पहुँच जाने से आपका काम नहीं बनेगा, शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं आएगी, जेई मेन में भी नहीं और जेई एडवांस में भी नहीं। वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता तो है ही, मैं याद दिला रहा हूँ आपको सब कुछ, और आप यदि इसको ध्यान से सुनेंगे तो मुझको भरोसा है कि आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा एक यू शेप का एक मेटल फ्रेम होता है, आप जानते हैं, उसके लेफ्ट एंड पर ये जो दिखाया हुआ है येलो से, इसको क्या कहते हैं, ये जो येलो से दिखाया हुआ है इसको कहते हैं, वैसे ये एक स्टड है, छोटा सा टुकड़ा है मेटल का, और इसको कहते हैं एनविल। वैसे तो कोई नाम आपसे पूछेगा नहीं, पर आपको पता है तो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये जो रॉड दिख रही है इधर येलो कलर की राइट हैंड साइड में, ये रॉड कहलाती है स्पिंडल। स्पिंडल ध्यान से सुनेंगे बोर हुए बगैर, आगे आपको इसका बड़ा मजा आएगा। तो ये तो है स्पिंडल और ये है एनविल, और आगे इसके क्या होता है, यहाँ पर होता है एक लीनियर स्केल, एक लीनियर स्केल होता है, आप जानते हैं। रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसको अच्छे से समझने के लिए। और फिर दूसरा होता है एक सर्कुलर स्केल, इस तरह का दिखाई पड़ता है हमारा स्क्रू गेज। तो आगे बढ़े तो आपको पता है कि यहाँ पर एक ऐसी सेंटर लाइन होती है जिसके ऊपर ये कहलाता है मेन स्केल, जिसको इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इसे पिच स्केल, ये पिच स्केल हो गया। और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, तो यहाँ बना देता हूँ मैं सर्कुलर स्केल। इस तरह की मार्किंग होती है उसके ऊपर, इसको जानबूझ के मैंने थोड़ा लंबा बनाया हुआ है, आगे कुछ बताना है मुझे आपको। तो ये है सर्कुलर स्केल, ठीक है, याद रहेगा ये है सर्कुलर स्केल। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब कुछ ध्यान से सुने। और ये जो है ये लीनियर स्केल, जिसको यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है पिच स्केल, ऐसे दो स्केल्स होते हैं। अब प्रायर टू यूज, मतलब इसको यूज जब नहीं कर रहे होते हैं तो किया क्या हमने, हमने इसे घुमाया सर्कुलर स्केल को,
ये सर्कुलर स्केल इस लीनियर स्केल पर चलता है, जब इसको घुमाते हैं तो ये डिस्प्लेस भी होता है पिच स्केल के ऊपर। तो जब हमने इसे घुमाया इस तरह से, कैसे इस तरह घुमाया, जब इसको हाथ से पकड़ा दाहिने हाथ से और घुमाया इसको किस तरह क्लॉकवाइज, तो होगा ये स्पिंडल आगे बढ़ेगा। ये एनविल तो ये तो स्टेशनरी होता है, ये नहीं चलता, स्पिंडल आगे बढ़ेगा। और ये स्पिंडल और एनविल ये दोनों स्टड्स एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इनके बीच गैप नहीं रहेगा। इसको घुमाते जाएं, लगातार घुमाते जाएंगे, स्पिंडल आगे बढ़ता जाएगा, ये सर्कुलर स्केल भी इस पिच स्केल पर चलता जाएगा और ये दोनों आपस में हो जाएंगे ज्वाइन। उस समय होना ये चाहिए कि इस पिच स्केल का जीरो ये जो है और सर्कुलर स्केल का जीरो, यदि मान लो यहाँ है, तो वो दोनों कोइंसाइड हो जाने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है कि पिच स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो ये दोनों कोइंसाइड हो गए, तो समझना चाहिए कि इसमें कोई एरर नहीं है। और फिर रीडिंग लेते समय क्या करते हैं, तो रीडिंग लेते समय इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो गैप है एनविल और स्पिंडल के बीच का, ये क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। और उसी गैप में हम जिस भी जो भी मेजरमेंट हमको करना पड़ता है, जैसे किसी शीट की हम थिकनेस निकाल रहे हैं या वायर का डायमीटर, तो उस वायर को यहीं पर रखते हैं इन दोनों के बीच में। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे गैप कम होता है, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा। राइट हैंडेड स्क्रू लगा होता है यहाँ पर, ये स्क्रू है बीच में जो दिख रहा है ना, ये स्क्रू है। तो कोई बात नहीं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी ये भी स्क्रू ही है, राइट हैंडेड स्क्रू। तो बहुत ज़्यादा ही कुछ डिटेलिंग हो रही है, अब मुद्दे पर आते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ इन्होंने बोला हुआ है कि अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन, नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट, द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग प्रायर टू यूज। मतलब जब स्पिंडल और एनविल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब इनके जीरोज कोइंसाइड नहीं हो रहा है, बल्कि इस सेंटर लाइन पर यहाँ आ रहा है 4, ये मार्किंग यहाँ पर आ रही है 4। इसका मतलब ये पीछे 3, 2, 1 और 0, ऐसे ये सब डिविजन्स होंगे, ये सभी डिविजन्स 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये 4 है। इधर क्या होगा, इधर होगा 5, 6, 7, 8 वगैरह वगैरह, पूरा 50 फिर से यहाँ आ जाएगा 0 पर। तो ये 4 यहाँ कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें है 0 एरर। अब 0 एरर है यदि, अब ये किस तरह की एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो लॉजिक से सोचें कि जब हम किसी वायर की थिकनेस निकाल रहे होंगे तब इसको घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को हम एंटी क्लॉकवाइज, ये गैप वाइडर होता चला जाएगा। और रीडिंग आती है मान लो सर्कुलर स्केल की 20, तो क्या वो सही में 20 है, नहीं 20 नहीं है, वो है 4 कम, क्योंकि शुरुआत ही 4 से हुई है। इसका मतलब 4 यूनिट्स के बराबर, सर्कुलर स्केल के 4 यूनिट्स के बराबर इसमें आएगी एरर, जो भी आप कुछ मेजर करके लाएंगे उसमें। इसका मतलब इसमें है पॉजिटिव 0 एरर, इस इंस्ट्रूमेंट में है पॉजिटिव 0 एरर। और पॉजिटिव 0 एरर है मतलब रीडिंग्स बढ़ बढ़ कर आएंगी, और रीडिंग्स यदि बढ़ बढ़ कर आएंगी तो जो करेक्शन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। हालांकि हमसे करेक्शन नहीं पूछा है, हमसे तो नेचर ऑफ जीरो एरर पूछा हुआ है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमसे ये पूछा हुआ है। पर आगे कैलकुलेशंस में इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखें, पॉजिटिव जीरो एरर कब आती है, जब जीरो नीचे हो, इस सेंटर लाइन से नीचे यदि वो है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और करेक्शन कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। मतलब हमको रीडिंग में से घटाना पड़ता है इसे, नेगेटिव 0 करेक्शन, नेगेटिव 0 करेक्शन, ये याद रखेंगे। तो एक आंसर तो हमको मिल गया, नेचर ऑफ 0 एरर, नेचर ऑफ 0 एरर कैसा है, वो है पॉजिटिव।
तो आंसर ए तो करेक्ट नहीं होगा, बी सी या डी में से कोई आंसर सही है। इसके बाद अब क्या चाहिए हमको, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, ये फॉर्मूला आगे तक के लिए आपको याद रखना है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है, न्यूमरेटर में तो आता है पिच, और पिच का मतलब क्या है, सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट रोटेशन करने पर, यहाँ पर जैसा बोला हुआ है उसने वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट रोटेशन करने पर वो कितना आगे बढ़ जाता है, या मतलब कहने का यह है कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे बढ़ेगा और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो पीछे आएगा। कुल मिलाकर सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन पर, लीनियर स्केल पर या पिच स्केल पर जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसको कहते हैं हम पिच, इसीलिए उसे पिच स्केल बोला गया था। और नीचे क्या आता है, नीचे आता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, इसीलिए वो पहली लाइन में सर्कुलर स्केल के डिविजन्स बोले गए थे। तो लीस्ट काउंट निकल आएगा आप, पिच कितना है, पिच है 0.5 mm, यूनिट के साथ उसको लिखना है 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, ये हो गया 1/500 यानी 1/100 mm, मतलब 0.01 mm, 0.01 mm, ये है लीस्ट काउंट। तो क्या हमारा आंसर आ गया 0.01 mm, तो ये तो 0.1 mm है, जल्दबाजी में इसको टिक ना कर दें, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 1/100 ही है 0.01 mm, तो इसको जल्दबाजी में करेक्ट ना समझ लें। अभी इधर देखें, अब यहाँ पर ये तो आंसर मिलीमीटर में था, यहाँ पर ये माइक्रोमीटर, और मिली का माइक्रो बनाने के लिए इसमें हमको हजार का गुणा करना पड़ेगा, हजार का गुणा करेंगे तभी ये बनेगा माइक्रोमीटर, 1000 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हुआ माइक्रोमीटर। क्लियरली ये आएगा 10 micrometer, और इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये दिखने में आसान है सवाल, पर बहुत कुछ इसमें सोचना पड़ता है। आपको भी यदि कहीं से मिल जाता है स्क्रू गेज तो उसको हाथ में लेकर एक बार ये सब सोचेंगे तो आगे तक के लिए आपको याद रहेगा, और इससे बेहतर है कि आप किसी को समझा दो, समझा देने से भी वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाता है और याद भी रहता है। कि पहला क्वेश्चन हमने किया 2020 में पूछा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 cm एंड 50 डिविजन्स ऑन एट सर्कुलर स्केल, ये क्वेश्चन नंबर 2 September 3, 2020 जेई मेन में पूछा हुआ। Using screw gauge of pitch 0.1 cm and 50 divisions on a circular scale, the thickness of an object is measured. It should correctly be recorded as. तो least count निकालें सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि least count निकाल कर हमको करना क्या है, किस तरह हम logic से answer तक पहुँच जाएंगे। आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा, screw gauge use कर रहे हैं, उसका pitch directly हमको दिया हुआ है और सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स दिए हुए हैं, और इस स्क्रू गेज से हम किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी रीडिंग या कौन सा मेजरमेंट जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो करेक्ट होगा, ये हमको बतलाना है। तो लीस्ट काउंट निकालें तो ऊपर तो आएगा पिच, मतलब कितना, 0.1 cm, यूनिट के साथ रखना चाहिए इसको, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स 50। क्या करें, ऊपर नीचे मैं कर देता हूँ 10 का गुणा, और 10 का गुणा करने से क्या होगा, ये 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 500, फिर 1/5 कितना होता है, 1/5 होगा 0.2 और दो जीरोज और, यानी 0.002 क्या, सेंटीमीटर, और जो ये जो मेजरमेंट्स किए गए हैं सब सेंटीमीटर में है, तो सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसको रहने दें, मिलीमीटर में होता तो फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, अब आपको पता होगा कि इसे रीडिंग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट की थिकनेस निकाल रहे हैं तो थिकनेस बराबर होगी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब ही वो पिच स्केल की रीडिंग या लीनियर स्केल की रीडिंग, प्लस
यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके साथ में मीट हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, और इसमें करते हैं लीस्ट काउंट का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह निकालते हैं आप रीडिंग। अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ लीस्ट काउंट हमारा कितना आया है, वो आया है 0.002 सेंटीमीटर, और ये होगा कोई होल नंबर सर्कुलर स्केल रीडिंग पर, ये कोई होल नंबर होगा जैसे 30, 31, 42 एक्सेट्रा, और इसमें 0.002 का मल्टीप्लिकेशन करने से मतलब कहने का यह है कि जो कुछ रीडिंग आएगी वो रीडिंग हमेशा, मतलब ये जो इसका डेसिमल वाला पार्ट होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, लीस्ट काउंट का इंटीग्रल मल्टीपल, और इंटीग्रल मल्टीपल होने में वो 1, 5 या 3 नहीं हो सकता, मतलब ऑड नहीं हो सकता, वो इवन ही होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2.124 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं क्या बोला है इसमें, क्या बोल रहे हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। अब मैं वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ करके आपको नहीं बताऊंगा, बस उसमें क्या होता है, स्क्रू गेज में आप जानते हैं स्क्रू गेज में होता है जिस तरह स्क्रू गेज में ये एनविल और स्पिंडल की बात होती है, तो वर्नियर कैलिपर्स में किसकी बात होती है, दो जॉज की, उसमें दो जॉज होते हैं, और इसमें भी दो स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। यहाँ से पढ़ना शुरू करें और दिमाग में रखते जाएं चीज़ों को। द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm। तो यहाँ गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, जल्दबाजी में 1 mm को लीस्ट काउंट कैलिपर्स का ना समझ लें आप, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, मतलब ये है इन अदर वर्ड्स 1 mm scale division। इसको मैं लिख रहा हूँ MSD, मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की ये वैल्यू है, वो कितनी है 1 mm। मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। आगे क्या बोल रहे हैं, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 divisions एंड कोइंसाइड विद 9 divisions ऑफ मेन स्केल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, क्या बोल रहा है, 10 divisions वर्नियर स्केल के, मतलब 10 VSD वर्नियर स्केल के 10 divisions ये बराबर हैं 9 divisions ऑफ मेन स्केल, 9 mm scale divisions, ये इन्फॉर्मेशन दी है। और फिर क्या बोल रहा है, द 7th division व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर, मतलब क्या, जिस तरह हमने अभी स्क्रू गेज में देखा था कि उसको क्लॉकवाइज घुमाने पर सर्कुलर स्केल को जब स्टड और वो जो दोनों स्टड्स थे, या क्या नाम दिए थे हमने उसको, स्पिंडल और एनविल, वो जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तब 7th division ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड द 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल, मतलब इसमें भी एरर है, इस वर्नियर कैलिपर्स में भी, इसमें भी एरर है। अब वो एरर कैसी है, तो वर्नियर स्केल क्या बोला है, 0 ऑफ वर्नियर स्केल वो मेन स्केल के 0 से राइट साइड में होना क्या चाहिए, जॉस को जब कम्प्लीटली हम चिपका देते हैं आपस में, टच कर रहे होते हैं, वो गैप को 0 कर देते हैं दोनों जॉस के बीच का, तब वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 ये कोइंसाइड होना चाहिए, पर यहाँ वो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, हो ये रहा है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में है, यानी जो भी रीडिंग आएगी अब वो कैसी आएगी, वो आएगी बढ़ बढ़ कर, यानी इसमें भी है पॉजिटिव जीरो एरर, इसमें भी है पॉजिटिव जीरो एरर, और पॉजिटिव जीरो एरर है कितने की, तो उसके लिए हमको ये जो 7th बोला हुआ है यहाँ पर, 7th division ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद अ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के किसी डिवीजन से वर्नियर स्केल का 7th division कोइंसाइड हो रहा है, वो रीड करना पड़ता है दोनों जॉज को टच करवा कर, तो बस इस 7 का ध्यान रखें, तो 7 into least count ये हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लीस्ट काउंट निकाल लें,
लिस्ट काउंट के लिए इसमें आते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी हमें पहले वाली कि एक मेन स्केल डिवीजन है 1 mm का और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर हैं। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का है, तो वह 9/10 MSD का, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट वर्नियर का रट लें, जिस तरह स्क्रू गेज का रटते हैं इसका भी लीस्ट काउंट रट कर रखें। थ्योरी आपको समझनी है डिटेल में तो इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर। तो लीस्ट काउंट होता है MSD - VSD, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। स्क्रू गेज का क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, जहाँ वैल्यू डाल दें तो ये MSD और VSD कितना है, VSD है 9/10 MSD। और मेन स्केल डिवीजन तो आपको पता है, मेन स्केल डिवीजन इसमें से कॉमन कर लें तो 1 - 9/10 यानी 1/10 और MSD है कितना 1 mm, तो इनटू 1 करेंगे तो 1/10 mm यानि 0.1 mm, और 10 से और डिवाइड कर देते हैं उसको तो 0.01 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर लिया मैंने, मेरा आंसर पर नज़र गई मेरी कि सेंटीमीटर में आंसर्स हैं तो हमको लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में निकाल कर रखना है, तो 0.01 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव जीरो एरर जब हम निकाल रहे होंगे तब 7 × लीस्ट काउंट करेंगे 0.01, तो ये आंसर किस में आएगा, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, 0.07 सेंटीमीटर। पर ये जीरो एरर है, करेक्शन कैसा होगा, तो याद रखें करेक्शन ऑपोजिट होता है, ये पॉजिटिव है तो हमको जो करेक्शन करना है हमारी रीडिंग में उसे घटाना पड़ेगा, मतलब ये जो है 0.07 इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब नेगेटिव जीरो करेक्शन है या जीरो करेक्शन नेगेटिव है, बस ये बात दिमाग में रहनी चाहिए आपके। आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अब आगे, when this वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ अ सिलेंडर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.1 and 3.2 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अभी हम एडवांस के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गलती हुई तो वो अच्छा भला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 3.1 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में क्या हो रहा है, स्केल सिलेंडर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिटवीन 3.1 and 3.2, मतलब जो मार्किंग की हुई है डिविजन्स किए हुए हैं मेन स्केल के वो कैसे हैं, 3.1, 3.2, 3.3, और एक सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में फिर से बांटा हुआ है तो मेन स्केल का एक डिवीजन है 1 mm के बराबर, तो 3.1 ले लेंगे यहाँ से। फिर आगे बोल रहा है फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज, तो अब लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, पहले तो इसकी रीडिंग निकाल लें, करेक्शन बाद में लगाएंगे। तो मेन स्केल रीडिंग को कितनी है 3.1, इसका भी फॉर्मूला उसी तरह का होता है, 3.1 यूनिट के साथ लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज 4 इंटू लीस्ट काउंट, तो गलती से इसका ना कर दें मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट हमारा ये है 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो 0.04 बनेगा, तो ये आ जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, अब हमको इसमें लगाना है करेक्शन, तो करेक्शन लगाएंगे, करेक्शन कैसा है नेगेटिव, मतलब 3.14 सेंटीमीटर में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.07 सेंटीमीटर। तो केवल कहानी ना सुने, आपको यदि ये समझ में आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगी, तो कॉपी पेन लेकर और साथ साथ सॉल्व करें, फिर वीडियो स्टॉप कर दें थोड़ी देर के लिए, फिर खुद करने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता है तो वापस वीडियो पर आए। और ये तो आपकी मैं मदद कर रहा हूँ इस वीडियो में भी और किसी भी वीडियो में भी,
ये सब आपकी हेल्प है, ट्रू हेल्प, करना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये कोई भी नहीं बतला सकता है। तो आंसर क्या हुआ इसका, 3.07 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज, तो स्क्रू ही होता है उसके अंदर, जैसा अभी हमने कहा था राइट हैंडेड स्क्रू होता है उस स्क्रू गेज के अंदर। क्या बोल रहे हैं, द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस। सर्कुलर स्केल का रोटेशन मतलब ही स्क्रू का रोटेशन, तो स्क्रू गेज के अंदर जो स्क्रू है उसको 6 रोटेशंस देने पर इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल, यानी पिच स्केल पर डिस्प्लेसमेंट होता है 3 mm का। इफ देर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, 9 जनवरी 2020 का क्वेश्चन। तो यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगी, 6 रोटेशंस में, स्क्रू के 6 रोटेशंस पर क्या बोला हुआ है, मेन स्केल पर कितना डिस्प्लेसमेंट, 3 mm का। दिस मीन्स एक रोटेशन पर कितना, तो एक रोटेशन पर हो जाएगा हाफ एम एम। यानी आपने क्या फाइंड कर लिया, ये आपने फाइंड कर लिया पिच, ये आ गया पिच, और पिच एक बार आ गया, और नंबर ऑफ डिविजन्स भी आपको पता है 50 डिविजन्स, तब आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, क्या फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेजेस पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो हाफ एम एम अपॉन उतना 50, तो हो गया 1/100, 1/100 mm, 1/100 mm और 0.01 mm भी इसको बोल सकते हैं, 0.01 mm। तो जल्दबाजी में, खुशी में इसको टिक ना करते हैं, ये 0.01 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और ऐसा भी ना माने कि मेरा कैलकुलेशन गलत है। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फंसाया गया है, 0.01 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं है वो, और 0.001 सेंटीमीटर ये मिलीमीटर में आंसर्स हैं बाकी, तो ये सब तो गलत ही हो गए ना, 0.02 भी, 0.001 भी, तीनों ही गलत हो गए, मतलब ऑप्शन तो यही सही है। एक्चुअली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर का सेंटीमीटर बना रहे मतलब 10 से भाग लगाओगे, इसको डिवाइड करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 12 जनवरी 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, सावधान, लीस्ट काउंट सुन के इसी को लीस्ट काउंट नहीं मान लेना है, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, मतलब ये है 1 msd, मेन स्केल डिवीजन है ये, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है वो 1 mm के बराबर। द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 μm डायमीटर ऑफ द वायर एस, ये है मेन स्केल का एक डिविजन, मतलब इन अदर वर्ड्स ये हमको दिया हुआ है पिच, यानी स्क्रू गेज के स्क्रू को एक रोटेशन घुमाने पर लीनियर स्केल या पिच स्केल पर होने वाला डिस्प्लेसमेंट 1 mm है। ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपको यहाँ दी हुई है स्टेटमेंट 1 में। अब क्या बोल रहे हैं आगे, आगे बोल रहे हैं कि हमको 5 μm तक यदि नापना हो तो हमें सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स मिनिमम रखना होंगे, ये हमसे पूछा हुआ है। तो अब इसमें ये जो मेन स्केल का एक डिविजन है यानी पिच, ये तो हम बदल नहीं रहे हैं, पिच नहीं बदल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो पिच तो कांस्टेंट है, एम को चेंज करके हम ये लीस्ट काउंट को बदल सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाएंगे सर्कुलर स्केल पर तो
क्या होगा, ये लीस्ट काउंट कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे डिविजन्स का नंबर बढ़ेगा लीस्ट काउंट कम होगा। लीस्ट काउंट कम हुआ मतलब कम से कम हम उससे मेजर कर सकते हैं। हमको मेजर कितना करना है, 5 μm मतलब माइक्रोमीटर, तो लीस्ट काउंट हमको करना है 5 μm। और पिच कितना दे रखा है, पिच दे रखा है हमको 1 mm, 1 mm, और हमसे एक्चुअली n पूछा हुआ है। तो बस इनकी यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट लेस है, n तो नंबर है, यूनिट लेस है, तो दोनों का बस यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये है मिलीमीटर, और इसको माइक्रो को हमको बदलना पड़ेगा मिली में, यानी 10^10 क्या हो जाएगा, 5 × 10^-3, तो ये mm में कन्वर्ट हुआ, और इसका मतलब ये हुआ 1000 ऊपर और नीचे 5, यानी ये आ जाएगा 200 के बराबर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या बोल रहे हैं, द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 mm एंड 100 रिस्पेक्टिवली। तो ये पहली इंफॉर्मेशन, क्या बताया हमको, पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा इस इंफॉर्मेशन से आपके पास उस स्क्रू गेज का, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच इज 0.5 mm, यूनिट के साथ लिखें तो बहुत अच्छा, अपॉन 100 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, इसको 100 से भाग लगाएं तो 0.05 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट। व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मतलब वो दोनों स्टड्स आपस में ज्वाइन हो गए, द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 divisions बिलो द मीन लाइन। अब ज्यादा परेशान नहीं होंगे, समझ गए हम कि एरर कैसी है, एरर है पॉजिटिव, और करेक्शन कैसा है, करेक्शन है नेगेटिव, और कितना होगा वो करेक्शन, तो माइनस साइन के साथ, कितना क्या बोला है, 3 divisions बिलो है, यानी 3 × 0.005 mm, मिलीमीटर, या फिर 15 कर दें इसको, 0.015 क्या मिलीमीटर, तो ये है करेक्शन। द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट आर 5.5 mm एंड 48 रिस्पेक्टिवली द थिकनेस ऑफ द शीट इज। तो पहले तो रीडिंग निकाल लेते हैं, थिकनेस कितनी होगी, तो मेन स्केल रीडिंग 5.5 mm, यूनिट्स पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, लिख लेते हैं तो हमको फिर याद भी रहता है, फिर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट विच इज 0.005, और माइनस यहीं पर कर देता हूं मैं करेक्शन भी, 0.015। ऐसा होगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी मेहनत लगेगी, बस ये आप यूनिट्स चेक कर लेना सब, ये एमएम, ये भी किस्मत है एमएम में, तो पूरी चीज एमएम में ही आएगी, ये भी एमएम में है, यूनिट्स बस आप एक बार चेक कर लेना, मैं आपको इसका आंसर बतलाता हूँ अभी। तो बस ये हो गया, और उसके बाद 5.5 ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6, तो इसमें तो है नहीं, ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व आपके लिए, 48 में करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो ये हो गया 40, हासिल के 4, 20 और 4 24, और डेसिमल पॉइंट 3 के बाद, यानी 0.240, इसमें 5.5 को ऐड करना पड़ेगा, यानी ये कितना हुआ, 5740 ये हुआ, और इसमें से कितना घटाना है हमें, 0.015, तो इधर कितना आएगा, 5, इधर आएगा 5, और इधर आएगा 2,
और इधर 7, 725 और इधर आ जाएगा 5, यानी 5.725 इज आवर आंसर। तो ये इसका आंसर है सॉल्व होने के बाद 5.725 मिलीमीटर इज आवर आंसर एंड सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द स्क्रू कॉज इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। क्या बोला हुआ है कि उस स्क्रू के 5 कंप्लीट रोटेशंस पर जो पिच स्केल है या जो लीनियर स्केल है उस पर डिस्प्लेसमेंट है 0.25 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता लगता है, आपको पता लगता है पिच 5 कंप्लीट रोटेशंस पर डिस्प्लेसमेंट कितना, 0.25 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन पर कितना, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, एक रिवॉल्यूशन मतलब 0.25 सेंटीमीटर अपॉन 5, दिस गिव्स 0.05 और आंसर किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो ये आपको मिल गया पिच। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, देर आर 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो यदि अब ये दोनों पता लग गया आपको, पिच और सर्कुलर स्केल के डिविजन्स, तो आप लीस्ट काउंट निकाल लो। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पिच दैट इज 0.05 सेंटीमीटर अपॉन 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो ये आ गया 0.0005, ये आ गया लीस्ट काउंट यूनिट सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, द थिकनेस ऑफ वायर मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज गिव्स रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिविजन्स। यहां पर गलती होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपने ये पहले करके नहीं रखा, उस तरह के क्वेश्चंस जेई एडवांस में आते हैं। 4 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर हमको मेन स्केल रीडिंग दी हुई है। निकाल कह रहे हैं आप थिकनेस ऑफ अ वायर एंड 30 सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग दी हुई है, अज्यूमिंग नेग्लिजिबल जीरो एरर। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि एरर जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी जीरो एरर का कोई चक्कर नहीं आएगा। थिकनेस ऑफ वायर एस, जीरो एरर का भले ही चक्कर नहीं आया हो, पर चक्कर यहाँ आ रहा है मेन स्केल रीडिंग का। मेन स्केल रीडिंग इज नॉट डायरेक्टली 4, बट इट इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिविजन्स। अब मेन स्केल डिविजन्स कहाँ से लाएंगे, तो मेन स्केल डिविजन्स जो हैं वो ये हैं, जो आपने पिच निकाला हुआ है, यही है एक मेन स्केल डिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको फंसाएगी नहीं तो एग्जाम में। 0.05, तो 4 × 0.05, और ये 0.05 किस में, सेंटीमीटर में, तो ये पूरा आएगा सेंटीमीटर में जो कुछ है वो, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 30 इंटू लीस्ट काउंट। अब इसमें 0.05 का मल्टीप्लाई ना कर दें, 0.0005, ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा सेंटीमीटर में। अब डेसिमल्स भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो कितना आएगा, ये 150, जब 30 का 5 में गुणा करेंगे, और फिर 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट आना, यानी एक जीरो और लगाएं, और ये होगा सेंटीमीटर में ये वाला पार्ट। और इधर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 2 के बाद 0, यानी 2 के बाद डेसिमल, यानी यहाँ आएगा पॉइंट साइन। और अब पॉइंट 20 में, इसमें भी जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप अपना वक्त लो उसको सॉल्व करने के लिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलती होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है ये, और फिजिक्स में आपका पेस जो है वो
एक लिमिट तक ही आप रख सकते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते आप, स्टेप्स नहीं चुरा सकते आप। तो ये इसका आंसर है 0.2150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 जेई मेन 2016 में पूछा हुआ, क्या बोल रहे हैं, स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विद 50 डिविजन्स इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये पहले स्टेटमेंट से जो डेटा दिया हुआ है, पिच दे रखा है 0.5 mm और डिवीजन सर्कुलर स्केल पर है 50, तो आप लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट, यह व्हेन, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन एंड जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, यानी एरर है इसमें। अभी तय करेंगे कि वो जीरो एरर है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। तो पहले इस एरर की बात कर लेते हैं हम, तो ये हो गया वो हमारा पिच स्केल, ये हो गया पिच स्केल, और यहाँ बना लेता हूँ मैं ये सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल का जो एक डिवीजन है जो इस सेंट्रल लाइन के साथ में कोइंसाइड हो रहा है, वो कौन सा है, वो है 45th। और हुआ ये है कि वो जो वो दोनों स्टड्स थे वो बहुत दिनों तक यूज करने की वजह से स्क्रू गेज के वो घिस गए, और घिस जाने से क्या हो रहा है, घिस जाने से ये हो रहा है कि ये आगे बढ़ गया है। जब इसको रोटेट किया होगा हमने स्क्रू को या इस सर्कुलर स्केल को, तो यहाँ आना चाहिए था जीरो, आना चाहिए था जीरो, पर हो क्या गया है, वो और पीछे आ गया है, मतलब ऐसा हो गया है, ये जीरो 5 डिवीजन आगे निकल गया है, ये आगे निकल गया है। बहुत ध्यान से आपने इसको सुना होगा, इसका मतलब जो आपकी जीरो एरर है वो कैसी है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। लॉजिक से सोचें कि अब इसको जब हम वापस किसी वायर का थिकनेस या शीट का थिकनेस निकालने के लिए जब यूज करेंगे, तो इस तरह घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 5 कम आएगी हमेशा रीडिंग, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होगी वो 5 कम हो जाएगी, यानी जीरो एरर कैसी है, वो है नेगेटिव। इसका मतलब जीरो करेक्शन कैसा है, जीरो करेक्शन है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको परेशान किया एग्जामिनर ने, घुमा दिया है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसमें गलती होने की, तो जीरो मार्क जो है वो ऊपर है। जब जीरो मार्क नीचे रहता है सेंटर लाइन से, तब जीरो एरर होती है पॉजिटिव, करेक्शन होता है नेगेटिव। तो ये बात दिमाग में आपके आ जानी चाहिए वहां पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब ये तय हो गया है कि जीरो करेक्शन पॉजिटिव है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसका निकालते हैं हम लीस्ट काउंट, पहली स्टेप में लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट होगा पिच जो 0.5 mm दे रखा है, यूनिट के साथ लिखें, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हो गया पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ऊपर नीचे कर देते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन 2 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। ऐसा सब मैं क्यों करता हूँ, 2 का गुणा करने से फायदा ही होगा कि ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और इधर 2 का गुणा कर दें तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 होगा वो, और डेसिमल का ध्यान देंगे तो 1 बन जाएगा। ये सब मन में करना होता है। 0.01 mm ये आ गया लीस्ट काउंट, सेंटीमीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारे मिलीमीटर में ही है, तो ये लीस्ट काउंट आ गया। अब थिकनेस आप जो रीड करके लाएंगे वो कितनी होगी करेक्शन के बगैर, तो वो सब यहाँ बोला हुआ है,
क्या बोला है, मेन स्केल रीडिंग तो सी दे रखी है 0.5 mm, 0.5 mm यूनिट के साथ लिखेंगे गलती नहीं होती। प्लस क्या 25th डिवीजन कोइंसाइड, मतलब 25 × 0.01 mm, यानी ये हो गया 0.25 mm, और ये कितना है, ये 0.5, तो ये भी mm में ही है, तो ये हो गया 0.75 mm। तो गलती से सी को टिक ना कर दें, अभी इसमें करेक्शन को अकाउंट में लेना है। करेक्शन का क्या होना है, वो जुड़ना है कि घटना है, तो वो जुड़ना है 0.75 mm में। अब वो करेक्शन है कितना, वो जीरो करेक्शन कितना है, तो जीरो करेक्शन कैसे आएगा, तो 5 divisions यहाँ पर लेंगे, 45 ना ले लें गलती से, 5 divisions पीछे रह गया है ये जीरो, तो 5 × least count यानी 0.01 mm यानी 0.05 इसमें ऐड होगा, 0.05 ये बन जाएगा 0.80, और आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विच हैज डिविजन्स ऑफ 0.1 cm ऑन इट्स मेन स्केल, यानी 1 main scale division दिया हुआ है, 1 main scale division वो कितना है, तो वो है 0.1 cm। आगे क्या बोल रहे हैं, 10 divisions ऑफ इट्स वर्नियर स्केल मैच 9 divisions ऑन द मेन स्केल, 10 vernier scale divisions ये कोइंसाइड हो रहे हैं विद 9 main scale divisions। तो इस इंफॉर्मेशन से हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का होगा, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन के, 9/10 MSD ये हो जाएगा। तो बस यहाँ वैल्यू डालें, 1 MSD माइनस 9/10 MSD, मैन MSD कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 - 9/10 यानी 1/10, और मेन स्केल डिवीजन है कितने का, 0.1 cm का, उसको डिवाइड करना है 10 से, तो हो गया 0.01 cm। आगे बोल रहे हैं, 3 such measurements फॉर अ बॉल आर गिवन एज, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, 3 measurements लिए हुए हैं। रीडिंग 1 की बात करें यदि, तो क्या दिख रहा है आपको रीडिंग 1 में, मेन स्केल रीडिंग है ये वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं जो कोइंसाइड हो रहे होंगे, तो रीडिंग आएगी कितनी, तो मेन स्केल तो आ जाएगा 0.5 cm में है वो, प्लस 8 × ये क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट 0.01, ये हो जाएगी उसकी रीडिंग, तो 0.08 हो गया ये, यानी ये 0.58 बन जाएगा। और इसके साथ में हमको आगे ये नहीं पढ़ा मैंने, इसको पढ़ना पड़ेगा, जीरो एरर इज जीरो एरर भी दिया हुआ है। अब डायरेक्टली आपको जीरो एरर कैसा दिया हुआ है, माइनस साइन के साथ, तो जो करेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव, एरर नेगेटिव है, करेक्शन होगा पॉजिटिव, यानी इसमें और हमको ये 0.03 और ऐड करना पड़ेगा। ये सब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 0.58 प्लस 0.03, दिस मीन्स 0.63 cm, ये आएगी आपकी फाइनल रीडिंग करेक्शन के बाद। अब रीडिंग 2 की बात करें, तो फिर से मेन स्केल रीडिंग 0.5, वर्नियर स्केल इज रीडिंग इज 4, 0.01 प्लस 0.03, तो 54 और 3 57 हो जाएगा ये 0.57
सेंटीमीटर, ये रीडिंग टू। अब रीडिंग थ्री की बात करें तो मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 प्लस 6 आएगा वर्नियर स्केल रीडिंग इन टू 0.01 प्लस 0.03, ये आएगा और ये आई 0.59। तो हमसे पूछा क्या है, फाइनली हमसे पूछा है मीन करेक्टेड डायामीटर। तो जो फाइनल आएगा आंसर वो आएगा इन तीनों का मीन, मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे, तीन से डिवाइड करेंगे, तो ये बन रहा है 0.59 सेंटीमीटर के बराबर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फालतू परेशान किया हुआ है तो आसान क्वेश्चन। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन हमने किया, ये आया था ऑनलाइन April 10th, 2015 में। तो अब ये क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन ऑनलाइन May 19th, 2012 में भी आया, और इसके अलावा ये एडवांस में भी पूछा जा चुका है, एडवांस 2003 में पूछा हुआ है, मतलब जेई के भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या बोल रहा है, n मेन स्केल डिविजन्स ये कोइंसाइड हो रहे हैं विद n प्लस 1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल के n डिविजन्स n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिविजन से कोइंसाइड हो रहे हैं। इफ ईच डिविजन ऑफ मेन स्केल इज a यूनिट्स, मतलब एक मेन स्केल डिविजन का हमको साइज दिया हुआ है, वो क्या है, a यूनिट्स। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब वर्नियर स्केल डिविजन कितना होगा, तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1 MSD। तो MSD इसमें से कॉमन करें तो n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल आउट, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 मेन स्केल डिविजन, तो वो ये हो गया a। तो a अपॉन n प्लस 1 इज आर आंसर, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 11, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज विद लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर एंड लिस्टेड द मेजरमेंट्स, द मेजर्ड वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज। तो उसका लीस्ट काउंट है, अब लीस्ट काउंट यदि ये है तो आप इन पर ध्यान दें, 5.3 तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि हम जब रीडिंग निकालते हैं तो रीडिंग होती क्या है, मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज की बात हो रही है, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, मतलब ये वाला जो पार्ट रहेगा ये आएगा सेंटीमीटर के तीन डेसिमल प्लेसेस तक आएगा, जो इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन से ही इसको आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 divisions, गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 divisions ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज। तो यहाँ आए सीधे, क्या बोला है हमसे, 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 divisions ऑन सर्कुलर स्केल। इन अदर वर्ड्स कहना यह है कि सर्कुलर स्केल यानी स्क्रू के एक रोटेशन पर 1 mm का डिस्प्लेसमेंट आता है पिच स्केल पर, यानी ये पिच दिया हुआ है 1 mm, 1 mm पिच है, और सर्कुलर स्केल के डिविजन से 100, तो हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट कितना होगा, तो वो होगा पिच, दैट इज 1 mm, और सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब 100, तो 1 अपॉन 100 mm, यानी 0.01 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट पर, क्योंकि आंसर्स हैं सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.001
सेंटीमीटर, ये आ गया लीस्ट काउंट। अब डायमीटर हमको चाहिए, रीडिंग्स क्या बोली हुई हैं, मेन स्केल रीडिंग तो है 0, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग 52, और लीस्ट काउंट का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 0.001 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 13। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो कोई स्केल है जिसके 29 मेन स्केल डिविजन्स ये कोइंसाइड होते हैं वर्नियर स्केल के 30 डिविजन्स के साथ, 30 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री, एक मेन स्केल डिविजन कितने का है, तो एक मेन स्केल डिविजन है 0.5 डिग्री का। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है लीस्ट काउंट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट क्या होता है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। अब VSD कितना होगा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है उससे 1 VSD होगा 29/30, 29/30 MSD। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD, और VSD 29/30 MSD डाल दिया यहाँ, और MSD कर लेते हैं कॉमन, तो 1/30 होगा आंसर इसका, 1 - 29/30, और ये कितना है, तो ये है 0.5 डिग्री, 1 MSD। तो आंसर क्या होगा, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री तो नहीं है, ना ही ये हाफ डिग्री है। अब ये पता करना है हाफ मिनट है या 1 मिनट है। तो मिनट मतलब ये यहाँ पर अब एंगल के यूनिट की बात हो रही है, हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट। तो इसको 60 से दी क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो ये डिग्री का मिनट बन जाएगा। तो 60 × 1/30 × 0.5 यानी हाफ, ऐसा होगा। तो ये आएगा आंसर किस में, डिग्री का हमने क्या बना दिया, मिनट, डिग्री का हमने मिनट बना दिया। तो 1 मिनट ये इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, 2 full turns ऑफ अ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन इट्स मेन स्केल, 2 full rotations, 2 full rotations से क्या बोला हुआ है, 1 mm का डिस्प्लेसमेंट आता है, 1 mm का डिस्प्लेसमेंट आता है किस पर, लीनियर स्केल पर या पिच स्केल पर। तो एक रोटेशन से कितना आएगा, वो आएगा 0.5 mm, यानी हमको मिल गया पिच, पिच मिल गया कितना, 0.5 mm, 0.5 mm। अब पिच आने के बाद आगे क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। तो अब लीस्ट काउंट मिल जाएगा, लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.5, और यहाँ आएगा 50, यानी 1/100, 1/100 मतलब 0.01 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट। फर्दर इट इज़ फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज़ 0 error ऑफ 0.03 mm, माइनस साइन लिखा हुआ है, मतलब 0 error है नेगेटिव, यानी करेक्शन होगा पॉजिटिव, ये दिमाग में आना चाहिए, करेक्शन पॉजिटिव होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, अब एक थिन वायर का डायमीटर मेजर किया है, स्टूडेंट नोट्स मेन स्केल रीडिंग 3 mm एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स 35, डायमीटर ऑफ द वायर इज, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 3 mm, मिलीमीटर में ही है वो, फिर
सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 35 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, वो भी एमएम में आएगा। और फिर करेक्शन को हमको ऐड करना है ना, 0.03 एमएम और ऐड होगा, तो बस ये 3 एमएम और ये कितना हो जाएगा 0.35 इसमें ऐड होगा अभी 0.35 एमएम और 0.03 ये सब ऐड करना है, तो हुआ 83 और ये 3.38 एमएम, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 2008 की बात हो रही है, मतलब ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।